आज के समय में इंसान के पास कुछ हो ना हो पर उसका लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसके ज़िंदगी में, और अपने लुक को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। मैं किसी की क्या बात करूँ, मैं खुद हर 15 दिन में बार्बर के पास जाता हूँ और अपने पूरे लुक को मेंटेन कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो लोग हेयर कटिंग सैलून का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ लुक ही लुक हर किसी को पसंद है। अलग अलग तरह के लुक्स आते हैं और उन लुक्स को मेंटेन करने का काम होता है जो हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो सैलून बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर बहुत छोटा है, बस एक हेयर कटिंग सैलून होना चाहिए और थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए बंदे के पास जो कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। वैसे हेयर कटिंग सैलून चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, वरना आपका जो बिज़नेस है वो शुरू होने से पहले डूब भी सकता है। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हेयर कटिंग सैलून का बिज़नेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, और आगे चलकर इसे बहुत अच्छे तरीके से रन भी कर सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप फ्यूचर में इसी तरीके की और भी वीडियोस को मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अब अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए उसका लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और अगर हेयर कटिंग की शॉप आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको लोकेशन का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपका लोकेशन किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक पुरुष रहते हों। ये कोई मार्केट हो सकता है जहाँ पर कई सारे बंदों की दुकानें हों, वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं, जो उनके कस्टमर्स आते हैं, वो आपके पास आएंगे हेयर कटिंग करवाने के लिए, शेविंग करवाने के लिए। या फिर अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो ध्यान रहे कि वहाँ पर ज़्यादा लड़के होने चाहिए, ज़्यादा पुरुष होने चाहिए। और अगर ऐसे कॉलोनी में हैं जहाँ पर फैशन को लेकर लड़के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो फिर आपके शॉप के चलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से कटिंग करनी आती है, अलग अलग टाइप के स्टाइल्स के आप कटिंग कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, अब आपको एक शॉप ले लेनी है उस मार्केट के अंदर। जब आपने शॉप ले लिया है तो शॉप के अंदर का जो काम होता है, जैसे कि जितने भी उसमें आपके टूल्स होंगे, फर्नीचर्स होंगे, उन सारी चीज़ों को अट्रैक्टिव तरीके से लगाना है। पर यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अंदर रेड कलर की चीज़ें लगा रहे हैं तो सारी रेड कलर की चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप येलो लगा रहे हैं तो सारी येलो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक टाइप के एक कलर के सारी चीज़ें आपके दुकान के अंदर मौजूद होंगी तो आपके दुकान का जो लुक है वो परफेक्ट लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपके दुकान में आएंगे। रीज़न ये रहेगा कि आपकी जो शॉप है वो प्रोफेशनल लगेगी, और प्रोफेशनल दुकान को रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं अच्छी सर्विस देकर। अब अगर आपके दुकान का लुक भी अच्छा है और आप अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं तो आप अपने आप को एक ब्रांड भी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब आपने अंदर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया है, तो अब बारी आती है कि इम्पॉर्टेंट टूल्स को ख़रीदने की, जैसे कि ट्रिमर हो गया, या फिर कंघी हो गई, या फिर हेयर ड्रायर हो गया, या वैक्स हो गया। ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी हेयर कटिंग सैलून को स्टार्ट करने के लिए। वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि भाई इसके पास है ही क्या। तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, ताकि आपकी दुकान अच्छी लग सके, भरी भूरी लग सके, और उसके अंदर अगर कोई कस्टमर आए तो वो आकर्षित हो सके आपके उन सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को देखकर। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर आप एक हेयर कटिंग की शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप किसी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे, मैं उससे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको खुद अनुभव होना चाहिए उस काम को करने का, क्योंकि अगर आप किसी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कितने टाइम में कितना काम हो जाना चाहिए और इस बंदे ने कितना काम किया है। पर इसी जगह पर अगर आपने कुछ समय तक उस काम को किया है और आपको अनुभव है कि किस तरीके से वो काम होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप कर्मचारी पर नज़र रख पाएंगे, और वो अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि ये चीज़ तुमने गलत किया है, या फिर अगर वो किसी काम को करने में लेट कर रहा है तो आप उसे बोल पाएंगे कि हाँ, तुम ये करने के लिए लेट कर रहे हो। तो आपका खुद का वो काम सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक शॉप स्टार्ट करते हैं और कर्मचारी को भी रखते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 कि आप
यहाँ पर अकेले काम नहीं कर सकते हैं। मतलब हम अगर बात कर लें कि आपकी शॉप अच्छी खासी चलना शुरू हो जाती है, तो अगर संडे के दिन की बात करें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और जब सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी तो फिर आप अकेले उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो कम से कम दो बंदे आपको और चाहिए होंगे अगर आपकी शॉप प्रोफेशनल है। अब अगर आप वर्कर को चुनते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी वर्कर को चुनते हैं तो आपके आसपास के जितने भी दुकान हैं उन दुकानों में जाइए, देखिए क्या कोई बंदा ऐसा है जो 3-4 साल से किसी एक दुकान पर काम कर रहा है और अपनी सैलरी से नाखुश है। आप उसे कुछ ज़्यादा पैसे देने के लिए बोलिए और बोलिए कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तुम हमारे पास आकर काम करो। और मे भी पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंदे को किसी भी लेवल तक लेकर जा सकता है, और वो उस शॉप को छोड़कर आपके पास डेफिनेटली आएगा, और अगर उसे काम अच्छा आता होगा तो वो आपके साथ बेहतर पार्टनर या फिर बेहतर आपका वर्कर बन पाएगा। अभी अगर हम बात करें इसमें खर्च कितना आने वाला है, तो देखिए अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर रख लेते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए रख लीजिए। अगर आपने सारा कुछ लिया है तो, और अपने शॉप भी ली है साथ में रेंट पर, ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए आपके आसानी से लग जाएंगे अगर आप एक प्रोफेशनल शॉप खोलते हैं। पर अगर हम बात करें यहाँ पर लोकल शॉप की, छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं खोलते हैं, तो फिर आपके शॉप में खर्चा आने वाला है वो 50,000 से 1 लाख रुपये तक मान के रख लीजिए छोटी शॉप में। और अर्निंग की अगर हम बात करें तो अर्निंग आप डेली की 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक कर सकते हैं, मतलब मान के रख लीजिए महीने का 45,000 रुपये के अप्रॉक्स। उसमें अगर आप खर्च सारे निकाल देते हैं 10 से 15,000 रुपये, फिर भी आपके 30,000 रुपये मंथ के बचने वाले हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक बार बार शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।